हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, एनिमल टैक्सोनॉमी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्लास एम्फीबिया तक। क्लियर? क्लास एम्फीबिया स्पेशल कैरेक्टर्स विद एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे नेक्स्ट क्लास, यानी क्लास रेप्टिलिया। क्लियर है? तो देखो, क्लास रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। तो देखो, पहली बात कि ये रेप्टिलिया टर्म कहाँ से आई है, रेप्टिलिया टर्म का ओरिजिन कहाँ से है। तो ये एक लैटिन टर्म है, रीपर। लैटिन टर्म है रीपर। रीपर का मतलब होता है क्रीपर, क्रीप करने वाले, रेंगने वाले। ठीक है, क्रीपर, वहां से आई है टर्म रेप्टिलिया। ठीक है, इसका मीनिंग है क्रीपर, क्रीप करने वाले, रेंगने वाले। समझ रहे हो? यहाँ से अराइज हुई है टर्म रेप्टिलिया। अब जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टिलिया क्लास के मेंबर्स हैं, वो फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल मेंबर है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। कंप्लीट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। ठीक है, कंप्लीट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैं। हम लोगों ने एम्फीबिया को क्या कहा था? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। कंप्लीट नहीं थे वो, इनकम्प्लीट थे, क्योंकि उनके पास एग क्लिडोइक नहीं था, जबकि इनके पास क्लिडोइक एग प्रेजेंट है। क्लिडोइक एग प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, सॉरी, एंडो क्या, एक्सोस्केलेटन होता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है, वो बना हुआ है स्केल्स एंड स्क्यूट्स का, स्केल्स और स्क्यूट्स जैसे स्ट्रक्चर का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है, जबकि एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट था, एक्सोस्केलेटन था ही नहीं एम्फीबियंस के पास। क्लियर है? समझ रहे हो? अब अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो ये ऑर्गेनिज्म जो रेप्टाइल्स हैं, फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, इनकी और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके पास मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे ये होते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। यानी इनके अंदर क्या रिलीज होता है? इनके अंदर रिलीज किया जाता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड रिलीज किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर। क्लियर है? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट कैरेक्टर कि इनके अंदर एंडोस्टाइल नाम का स्ट्रक्चर नहीं होता। एंडोस्टाइल जो एम्फीबियंस में प्रेजेंट थी वो इनके अंदर नहीं होती, एब्सेंट है। ठीक है, रेप्टाइल्स में एंडोस्टाइल भी एब्सेंट है। क्लियर हो गया? समझ गए? ये इतने पॉइंट समझ आए? ये हैं रेप्टिलिया के कुछ बेसिक पॉइंट्स। जल्दी से वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। क्लियर है? जल्दी। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब रेप्टिलिया के नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इनके पास एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्टाइल नहीं है। ये दो पॉइंट अपोजिट हैं किसके? एम्फीबियंस के। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो देखो, इनके पास जो स्कल होती है वो मोनोकोंडाइलिक होती है, मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक स्कल है। यानी इनकी स्कल में एक ही ओसिपिटल कोंडाइल, एक ही ग्रूव प्रेजेंट होगा बैक साइड में, अपनी तरह नहीं होगा। अपने अंदर दो कोंडाइल होते हैं, दो ओसिपिटल कोंडाइल है, पेयर है ओसिपिटल कोंडाइल का। क्लियर है? जबकि इनके पास सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हो गए थे तो इनके पास लिम्ब्स थे। लिम्ब्स की अगर बात करें, दो टाइप के होते हैं, फोर लिम्ब्स, फोर लिम्ब्स,
एंड हिंड लिम्स। डिफरेंस क्या था? अगर हम कंपेयर करें एम्फीबियंस से तो डिफरेंस आता है डिजिट्स का, कि इनके हाथों पैरों में उंगलियां कितनी थी, तो हिंड लिम्स, फोर लिम्स यानी हाथ, हिंड लिम्स यानी पैर। फोर लिम्स में इनके पास 5 डिजिट थी, जबकि एम्फीबियंस के पास 4 ही डिजिट थी, 5 डिजिट्स। इसी तरह इनके हिंड लिम्स में भी 5 डिजिट ही थी, 5 डिजिट थी हिंड लिम्स में थी। यहां एक स्पेशल पॉइंट देखा जाता है कि इन्हीं इसी क्लास का एक मेंबर है स्नेक, इसी क्लास का एक मेंबर है स्नेक, सांप, ठीक है। इसके अंदर लिम्स नहीं होते, लिम्स एब्सेंट है, ठीक है। लिम्स क्यों एब्सेंट है, ये पॉइंट हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन के अंदर, जहां लेमार्क ने स्नेक का एग्जांपल लेकर डिस्कस किया है, ठीक है। स्नेक के अंदर लिम्स एब्सेंट है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें रेप्टिलिया क्लास का और कैरेक्टर क्या हो सकता है, तो देखो रेप्टाइल्स जो हैं ये क्रीप करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल मैमल्स, सॉरी मैमल्स क्या, वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके अंदर क्लिडोइक एग आ गया था, यानी एग के ऊपर कैल्शियम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, और इनके पास लिम्स होते हैं। लिम्स में भी डिजिट की कन्फिग्रेशन है कि कितने डिजिट होते हैं, तो देखो इनके फोर लिम और हिंड लिम में अलग अलग, जैसे अगर हम एम्फीबियन से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, फोर लिम 5 डिजिट, हिंड लिम भी 5 डिजिट, जबकि एम्फीबियंस का फोर लिम 4 डिजिट था और हिंड लिम 5 डिजिट था, क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हम बात कर लेते हैं वही सेम पॉइंट्स जो एम्फीबियंस में देखे थे, यानी इसके अंदर क्रेनियल नर्व कितनी होती है, यहाँ 12 पेयर क्रेनियल नर्व है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास कैसा है, इनके पास है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फ्लो करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने के साथ साथ इनकी आरबीसी क्या है, वही एम्फीबियंस के सिमिलर आरबीसी इनकी न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, क्लियर है, यानी इनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट्स हैं कुछ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जल्दी हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लास रेप्टिलिया की बात हो रही है, रीपर्स यानी क्रीपर्स की बात हो रही है, जो क्रीप करके रेंग के चलते हैं, ठीक है, घसड़ते घसड़ते चलते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जैसा एम्फीबियंस में बताया था वो एनएमनियोट होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड उनके अंदर नहीं होता, ठीक है, तो ए एमनियोट है, ये एमनियोट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बात आती है रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन इनके अंदर सिर्फ लंग्स से ही होता है, रेस्पिरेशन के लिए ये यूज करते हैं ओनली ओनली लंग्स को, ओनली लंग्स, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, तो देखो इनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं, सॉरी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इनके अंदर लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है, लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है, लार्वा नहीं होता है, रेप्टाइल्स का लार्वा नहीं होता, रेप्टाइल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है,
कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, रेस्पिरेशन सिर्फ लंग्स से होती है और एमनियोट्स हैं ये, क्लियर है, समझ रहे हो। ये कुछ और पॉइंट्स हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी हो गया। चलो अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं वो निपटा के फिर हम आते हैं एग्जांपल्स पे, क्लास रेप्टिलिया के एग्जांपल्स पे, क्योंकि इस क्लास के एग्जांपल्स ही इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जांपल से ही आया है। अगर रेप्टाइल से क्वेश्चन आया है तो एग्जांपल से ही आया है, क्लियर है, समझ गए। तो देखो बात कर लेते हैं, दो पॉइंट क्या बचे हैं, एक दो, कि इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एम्फीबियंस के तरह इनके अंदर भी नहीं होता, एब्सेंट होता है, इनके अंदर भी एब्सेंट होता है एक्सटर्नल ईयर, समझ गए। नेक्स्ट अगर की पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखो एक्सटर्नल ईयर तो नहीं है बट एम्फीबियंस की तरह यहां इनके पास भी टिम्पेनम है, टिम्पेनम प्रेजेंट है, ठीक है। बात की थी टिम्पेनम क्या होती है, तो टिम्पेनम एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, वो इनके पास भी प्रेजेंट है जो हियरिंग में हेल्पफुल है। अब अगर आए एग्जांपल्स पे, बात करें एग्जांपल्स की, तो देखो इसके एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल में मेन मेन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो देखो स्नेक आ गया, स्नेक है, लिजार्ड है, ठीक है, क्रोकोडाइल है, समझ रहे हो, और एलिगेटर है, काफी सारे एग्जांपल्स हैं, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसके एग्जांपल्स में आएंगे। कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उनको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, जैसे क्लियोन है, ठीक है, समझ गए। क्लियोन क्या है, क्लियोन मराइन हैबिटेट में है, मराइन हैबिटेट का ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टुडो, टेस्टुडो, टेस्टुडो क्या है, टेस्टुडो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैमेलियोन, कैमेलियोन, कैमेलियोन जिसे तुम लोग क्या कहते हो, जिसे तुम लोग कहते हो ट्री लिजार्ड, ट्री लिजार्ड, ठीक है, कैमेलियोन जो ट्री लिजार्ड है, क्लियर है। ये पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स इसके बहुत सारे हैं और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जल्दी। हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इसके एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारी क्लास रेप्टिलिया के, एग्जाम्पल्स देख रहे थे हम लोग। तो देखो एक आता है एग्जाम्पल कैलोटिस, कैलोटिस, कैलोटिस को कहा जाता है गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आता है जो है हेमीडक्टाइलस, 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 हेमीडक्टाइलस कहा जाता है जो हमारी वॉल लिजार्ड होते हैं, घर में जो छिपकली देखने को मिलती है ना, वॉल लिजार्ड, ठीक है, वो हेमीडक्टाइलस कहलाती है, क्लियर है। फिर एग्जांपल आता है क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस कहा जाता है क्रोकोडाइल को, क्रोकोडाइल को। फिर एक एग्जांपल आता है एलिगेटर,
क्रोकोडाइल और एलिगेटर एक ही जैसे जीव हैं, बट डिफरेंस है इनके जो फेस होता है, जो टिथ अरेंजमेंट होते माउथ, उसकी अपेयरेंस में डिफरेंसेस हैं। तुम लोग देखोगे बुक में डायग्राम होगा, अलग अलग मिल जाएंगे तुम्हें देखने को, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, समझ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ एक स्पेशल एग्जाम्पल आता है डायनासोर। डायनासोर भी रेप्टाइल्स ही है, रेप्टिलिया का ही मेंबर है, क्लियर है। ये भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, हेमेडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, कैमिलियोन ट्री लिजार्ड, जिसको तुम गिरगिट बोलते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। टेस्टुडो, क्लियोन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, डायनासोर। नेक्स्ट और अगर डिस्कस करें तो कुछ स्नेक्स आते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है नाजा। वैसे स्नेक को चला जाना चाहिए, बट इसका तो नाम ही नाजा है, ना जा नहीं जाएगा तो सल्टा डालेगा, और ये होता है किंग कोबरा। किंग कोबरा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक मिलता है वाइपर, और घर में पानी साफ करने वाला नहीं, स्नेक का नाम है वाइपर, पिट वाइपर, रसल वाइपर जो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बंगारूस बोला जाता है क्रेट को, क्रेट जो स्नेक होते हैं उन्हें बोला जाता है बंगारूस। फिर एक स्नेक आता है पाइथन, कौन सा थन, पाइथन, ठीक है। पाइथन नॉन पॉइजनस है, जहरीला नहीं होता, बट लार्जेस्ट स्नेक है, ठीक है। ये चाहे तो पूरे के पूरे जीव को जिंदा निगल सकता है, समझ गए, इतना बड़ा होता है ये, समझ रहे हो ना, ये सांप है अपने, समझ गए। चलो वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर आगे और एग्जांपल डिस्कस करते हैं और पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये स्नेक्स थे, और एग्जांपल अगर डिस्कस करनी हो तो देखो एग्जांपल्स ही तो इंपॉर्टेंट हैं। देखो एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल आता है हाइड्रोफिश, ठीक है। हाइड्रोफिश एक पॉइजनस एक्वेटिक स्नेक है, नाम से पता नहीं चल रहा, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर मतलब एक्वेटिक, पॉइजनस एक्वेटिक स्नेक है, हाइड्रोफिश पॉइजनस एक्वेटिक स्नेक है, ठीक है। ये पानी में रहता है, नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि पानी वाले सांप जहरीले नहीं होते, बट ये जहरीला है, ठीक है, ये जहरीला है हाइड्रोफिश, इसीलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल आता है स्फिनोडोन बोला जाता है टुआटारा, ये मिलता है हमें न्यूजीलैंड में मिलता है स्फिनोडोन, ठीक है, समझ गए। स्फिनोडोन जैसे ये हम लोगों ने कई पढ़े थे, उनमें से कई बार एग्जांपल भी पूछ लेता है कि फिश है या क्या है, जैसे कार्केरोडोन है, स्कोलियोडोन है, स्फिनोडोन दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डोन भले ही हो, जरूरी थोड़ी है सारे डोन पानी वाले होते हैं, ठीक है। ये टू अटार है, ये रेप्टाइल है, फिश नहीं है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक स्नेक और पढ़ा जाता है जो है हेलोडर्मा भी पॉइजनस स्नेक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है, पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट एक है फ्राइनोसोमा,
फ्राइनोसोमा, फ्राइनोसोमा हॉर्न टोड होता है, हॉर्न टोड, ठीक है, हॉर्न टोड मतलब ऐसा मेंढक जैसा होगा हॉर्न वाला, ठीक है, सींग जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे इसके हेड के ऊपर, तो हम लोग कहेंगे ये हॉर्न टोड है, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें इसी की, तो देखो इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक और होती है फ्राइनोसोमा हॉर्न टोड की, कि इसकी जो स्किन होती है ना वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, हाइग्रोस्कोपिक स्किन, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की स्किन होती है, चमड़ी होती है इसकी, ठीक है, ये इसका एक स्पेशल सा पॉइंट है। तो ये एग्जांपल हो गए हाइड्रोफिस, फिनोडोन, हालोडर्मा और फ्राइनोसोमा। यहाँ एग्जांपल एक तरह से खत्म होते हैं, अब कुछ स्पेशल पॉइंट हैं इन्हीं एग्जांपल से रिलेटेड, वो हमें डिस्कस करनी है। एग्जांपल्स तो यहाँ हो गए खत्म है, ठीक है, बट स्पेशल पॉइंट हमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो एग्जांपल्स में स्नेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी टाइप के हम लोगों ने पढ़े हैं सारे के सारे, नाजा, वाइपर, बंगारूस, पाइथन, हाइड्रोफिस, हेलोडर्मा, इस तरह के, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। स्फिनोडोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, इस पर कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर हमें, ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट बचे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो वो स्पेशल पॉइंट क्या है, हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स यानी क्रीपर ऑर्गेनिजम्स के, जो क्रीप करके चलते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, ठीक है, क्रीपर्स की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कई बार तुम लोगों ने सुना होगा कि सांप जहरीले होते हैं ना, जो उनका जहर बहुत अलग टाइप का होता है, कईयों का कोई स्पेशल होता है, कईयों का कुछ स्पेशल होता है, मतलब ये टाइप किस बेसिस पे, उसके मोड ऑफ एक्शन के बेस पे, कि वो किस चीज पे एक्ट कर रहा है जाकर के, किस पॉइंट को, किस स्ट्रक्चर को या किस सिस्टम को टारगेट करेगा हमारी बॉडी में, इस पे डिपेंड है जहर के टाइप, ठीक है। तो देखो जो सांप का जहर होता है, विष होता है, वो दो टाइप्स का होता है मेनली, ठीक है, वो दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का कौन कौन सा, देखो हम लोग देख लेते हैं। हम कहते हैं सांप के जहर को वेनम, वेनम, ठीक है, वेनम। अब वेनम दो टाइप का है, वेनम दो टाइप का है, ठीक है, दो टाइप का कौन कौन सा, एक देखो, एक तो होता है न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है हेमोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो न्यूरो और हेमो नाम से वैसे पता चल रहा होगा जो पढ़ने वाले हैं उन्हें, तो बात क्या है, ये इफेक्ट करेगा न्यूरल सिस्टम को, ठीक है, न्यूरल सिस्टम इफेक्टेड, और ये किसे इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्टेड, सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो किस किस सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, अगर याद रखना हो तो देखो वेनम ऑफ नाजा यानी कोबरा वाला वेनम, ठीक है, नेक्स्ट वेनम ऑफ बंगारूस, वेनम ऑफ बंगारूस, नेक्स्ट वेनम ऑफ हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस, ठीक है, नेक्स्ट वेनम ऑफ हेलोडर्मा। इन सब का जो हम लोगों ने बात की थी अभी अभी इनको डिस्कस करके आए हैं, इनका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक नेचर का होता है, ये एग्जांपल्स है इसके। हेमोटॉक्सिक सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करने वाला, ये क्या करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, जब ये इंटर हो जाएगा तो ये आरबीसी जो होती है ना अपनी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी की जो वॉल्स होती है
यानी इसकी जो सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, जिन्हें डोनन्स मेम्ब्रेन कहा जाता है, डोनन्स मेम्ब्रेन, उसे डैमेज कर देंगे। ठीक है, डोनन्स मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे, यानी आरबीसी आफ्टर ऑल डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। ठीक है, डैमेज हो जाएगी आरबीसी। ये यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं नीचे लिख देता हूं, ये डोनन्स मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे। क्लियर है? अब देखो कौन सा एग्जांपल हो सकता है, तो इसमें एग्जांपल आएगा वेनम ऑफ वाइपर, पिट वाइपर, रसल वाइपर, जो स्नेक होते हैं ना, इनकी खास बात है, देखो इन्हें ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पीछे एक जो लास्ट में टेल होती है ना इनकी, वहां झुंझुना जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। जैसे ही इनको थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशन या कोई जैसे हमला महसूस होता है इनके ऊपर, कोई डर महसूस होता है या दूसरे को डराना हो, तो ये फिर उस झुंझुने को बजाते हैं। ठीक है, अजीब सी आवाज आती है, पता चल जाता है इसका डायरेक्टली बहुत तेजी से अटैक करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हम लोग सल्ट जाएंगे हाथों हाथी, ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। समझ गए? क्लियर है? बहुत जल्दी इफेक्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, क्योंकि फैलता बहुत जल्दी है। क्लियर है ना? तो ये है वेनम के टाइप्स। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया? चलो अब अगर बात करें इस वेनम के लिए, डॉक्टर जो है वो देता है एंटी वेनम। ठीक है, एंटी वेनम के इंजेक्शन देता है। अब वो एंटी वेनम कैसे बनाया जाता है और होता क्या है, तो देखो ये तो थी बात वेनम की। वेनम यानी सांप के जहर का इफेक्ट कम करने के लिए, कहते हैं ना जहर को जहर काटता है, तो इसी से वेनम से ही बनाया जाता है एंटी वेनम। वेनम से ही बनाया जाता है एंटी वेनम। एंटी वेनम किस तरह बनाया जाता है, किस मैकेनिज्म पे बनाया जाता है, तो देखो एंटी वेनम क्या है। एंटी वेनम क्या है, तो देखो एंटी वेनम पैसिव इम्यूनिटी देता है हमें। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है, होता क्या है, इसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे पहले हॉर्स बॉडी सीरम से बनाया गया था, हॉर्स बॉडी सीरम से बनाया गया था। समझ गए? ये एंटीबॉडी का बी जो है वो स्मॉल आएगा। ठीक है, एंटीबॉडी। क्लियर है? ये होता है एंटीवेनम, ये होता है एंटीवेनम। समझ रहे हो? चलो बात हुई क्लियर, निपटा लो जल्दी वीडियो को पॉज करके। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस क्लास के एक दो स्पेशल स्पेशल से पॉइंट है वही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इतना घुसने का कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल से पॉइंट है, निपटा के क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, देखो जो स्नेक पॉइजनस होते हैं, उनके पास ऐसी क्या स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण वो पॉइजनस हो गए। ठीक है, तो देखो दो मेन स्ट्रक्चर मानी जाती है किसी भी स्नेक के अंदर, किसी भी सांप के अंदर, जो पॉइजनस नेचर को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे एक तो होता है उनका पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, पॉइजनस ग्लैंड, ये क्या है, और एक होते हैं उनके पास स्पेशल टीथ फेंजेस, फैंग्स बोलते हो जिसे। ठीक है, पॉइजनस ग्लैंड क्या है, ये मॉडिफाइड मॉडिफाइड पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, मॉडिफाइड पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड है। क्लियर है? और ये
अपर जा के टिथ की मॉडिफिकेशन है, अपर जा में होते हैं, ठीक है फ्रेंसेस, अपर जाके फ्रंट वाले टिथ की मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफाई होकर के खोखले हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, ठीक है, ताकि जो पॉइजन है वो इंजेक्ट कर किया जा सके, ठीक है, सामने वाले एनिमी के अंदर, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो पॉइजनस स्नेक के अंदर ये दो मॉडिफिकेशन होती हैं, समझ गए, जल्दी से निपटा लो, जल्दी से निपटा लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलो, ये बात हुई पॉइजनस स्नेक की, यानी कोई भी पॉइजनस स्नेक होगा उसके अंदर स्ट्रक्चर्स की, जो दो मेन पॉइजनस पार्ट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, जो अपनी क्लास रेप्टिलिया है, ठीक है, जो अपनी क्लास रेप्टिलिया है, मतलब अपनी नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, रेप्टिलिया है ये क्लास, इस क्लास में एक ऑर्डर आता है, ठीक है, ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर का नाम है स्क्वेमाटा, स्क्वेमाटा ऑर्डर है। अब स्क्वेमाटा ऑर्डर दो सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, दो सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, एक सब ऑर्डर है ओफिडिया, ओफिडिया, और एक सब ऑर्डर है लेसर्टिलिया, एक सब ऑर्डर है लेसर्टिलिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में किन किन को इंक्लूड किया जाता है, ओफिडिया सब ऑर्डर में मेनली इंक्लूड किया जाता है स्नेक्स को, ठीक है, और लेसर्टिलिया सब ऑर्डर में मैंने इंक्लूड किया जाता है लिजार्ड्स को, लिजार्ड्स को, क्लियर है, समझ गए, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं सब ऑर्डर, ऑर्डर के भी छोटे पार्ट, सब ऑर्डर्स, समझ रहे हो ना। चलो, ये बात हुई रेप्टिलिया, स्क्वामाटा, ओफिडिया, लेसर्टिलिया, स्नेक्स और लिजार्ड की। अब कोई पूछे कि स्नेक्स का ऑर्डर कौन सा है, तो स्क्वामाटा है, सब ऑर्डर कौन सा है, ओफिडिया है, लिजार्ड का सब ऑर्डर लेसर्टिला है और ऑर्डर स्क्वामाटा है, क्लास रेप्टिलिया है ही दोनों की, क्लियर है, समझ गए। अब एक पॉइंट और था कि जैसे जो कैमिलियन होता है, कैमिलियन और जो अपना कैलोटिस था, इन दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि इन दोनों के अंदर कलर चेंजिंग एबिलिटी, कलर चेंजिंग एबिलिटी प्रेजेंट थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं मेटाक्रोसिस, मेटाक्रोसिस, कलर चेंजिंग एबिलिटी प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक स्पेशल पॉइंट था, समझ गए, क्लियर है ना। चलो, यहाँ क्लास रेप्टिलिया होती है एंड, और आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके, गुड बाय।